स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही अजीब सी फिल्म जिसका नाम है मैं हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम एक स्कूल को देखते हैं जो कि थाईलैंड में होता है और काफी अच्छा स्कूल होता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि स्कूल के स्टूडेंट को 5 रैंक में बांटा गया है। रैंक 5 में आते हैं स्कूल बुली जो कि कमजोर बच्चों को परेशान करते हैं। 4th रैंक में आते हैं किताबी कीड़े और 3rd रैंक में आते हैं एथलीट और 2nd रैंक में आते हैं स्कूल के पॉपुलर स्टूडेंट जो कि दिखने में काफी सुंदर होते हैं और 1st रैंक पर होता है फेम नाम का एक लड़का। हालांकि इसकी कोई भी खासियत नहीं होती है बट हाँ ये सभी एक्टिविटीज को काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, यही इसकी खासियत होती है। पर हमारा हीरो पोंग जो होता है वो स्कूल का लास्ट रैंक का स्टूडेंट होता है, मतलब एक नंबर का अनाड़ी होता है। एक दिन पोंग बुलीज को खेलते हुए देख रहा होता है, वहीं पर इसकी क्रश मिंग भी खड़ी होती है। तभी बॉल मिंग के पास चली जाती है, ये जोर से किक करती है पर पोंग बॉल नहीं पकड़ता है क्योंकि वो कुछ देखने में बहुत ज्यादा बिजी होता है। वो क्या देख रहा था ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। और फिर सीन आ जाता है इसके बेडरूम में जहाँ पर ये ड्राइंग बनाकर बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। पता नहीं क्या बना दिया आज इसने, लगता लोंडे ने आज नागमणि देख ली होती है। अब हंसते हुए ये तो सो जाता है, अगली सुबह उठ के स्कूल जाता है तो लेट हो गया होता है। बुलिस की नोटबुक कलेक्ट करने जाता है तो टीचर रूम से वहां पर लेट लाइन में लगना पड़ता है उसको, इसकी वजह से पनिशमेंट भी मिल जाती है। बुलिस अपनी नोटबुक मांगते हैं तो ये गलत नोटबुक दे देता है, तो ये वापस से इनकी सही नोटबुक लेने जब चाहता है तो इतनी देर में बुक्स चेकिंग के लिए मिंग की क्लास में चले गए होते हैं। यहाँ पर क्लास में स्टूडेंट पोंग की वो ड्रॉइंग वाली बुक देख रहे होते जिसमें उसने रात को ड्रॉइंग बनाई थी ना भाई, उसमें इसने कुछ ऐसा बताया था देखो। अब यहाँ पर कार्टून के द्वारा वो हमें बताता है कि मिंग ने जब बॉल को लात मारी थी तो पोंग उसको देख रहा था, और ये क्या देख रहा था यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अच्छा तो इसी वजह से ये हराम इतना मुस्कुरा रहा था। अब रियल में आ जाते भाई, पूरी क्लास पोंग को मारती है और इसके बाद स्कूल में मतलब घोषणा कर दिया जाता है कि पोंग एक नंबर का ठरकी स्टूडेंट है। अब ये घर आकर अलमारी में छुप जाता है, सोच रहा होता है कि यार मिंक तो निकल गई यहाँ से, अब मुझे घास तक नहीं डालेगी। तभी कॉल आती है और पता चलता है कि ड्रॉइंग वाली जो बात है पूरे स्कूल में फैल तो गई है, तो पूरा स्कूल अब इसको जानता है कि एक नंबर का कितना नीच आदमी है ये। अब मुँची बाता फिर रहा होता भाई स्कूल के अंदर, यहाँ वहाँ इसके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो बताता है कि तेरी बुक मैं हूँ नाम की एक लड़की ने मिंग को दिखा दी थी। तो पोंग मे से मिलने के लिए जाता है, इसका हाथ पकड़ता है और तभी तो मे से एक करंट निकलता है जो कि पोंग को लगता है दूर जाकर गिरता है। अभी हादसे के बाद पोंग रिवेंज लेने का सोचता है तो इसकी फोटो बनाता है और नाम रखता है इलेक्ट्रिक गर्ल और पूरे स्कूल में चिपका देता है यहाँ वहाँ ले जाकर। और अब मैं जब देखती है तो पोंग से मिलती है और पोंग इसे वो इलेक्ट्रिक डिवाइस मांगता है जिससे इसने इसको करंट लगाया था। मैं कहती कि चले जा यहाँ से, मारूंगी भाग यहाँ से। और फिर ये कहता है कि कल तुम्हारी जेब में से फेम की फोटो गिरी थी, तुम उसको पसंद करती हो क्या? अब भाई साहब फेम वही लड़का है जो नंबर 1 रैंक पे हैगा, जो हर एक्टिविटी में अच्छा कर लेता है। इतने में दोनों भाई फिर से लड़ने लग जाते हैं और पोंग इसे पकड़ता है और फिर से इसको करंट लगता है, फिर गिर जाता है। और सामने जो ये प्रिंटिंग मशीन पड़ी हुई थी ये काम करना बंद कर देती है, तो मशीन भी खराब कर देती है ये, इतनी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है इसके अंदर से। और इस हादसे के बाद घर आकर ही बहुत फिक्र में होती है और अपने फादर से बताती है। जहाँ पर हम देखते मे को जब ये छोटी थी तो इसने अपने घर का फ्रिज जला दिया था क्योंकि इसमें से बिजली निकलती है। अपनी मोम के साथ भी ऐसा ही किया था इसने और इसी वजह से इसके फादर ने इसको एक वॉच दी थी और कहते हैं कि देखो उन लोगों से दूर रहना जिसके पास जाने पर इस घड़ी में 120 दिखाए। और एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिशिंग करते हुए इसने पानी में अपना हाथ डाल दिया था जिसकी वजह से पूरे पानी में करंट फैल गया और सारी मछलियां मर गई थी। तो इसके फ्रेंड्स ने भी इससे दोस्ती तोड़ दी थी, कहते करंट निकलता है तेरे में से। और इसने घर पर आकर सब कुछ बताया तो इसके फादर ने स्कूल चेंज करवा दिया यहाँ से। इसकी क्लास को देखते जाए लोग प्रेयर कर रहे होते। अब यहाँ पर टीचर इसको कहती है कि दोस्ती वोस्ती कर लो किसी से, ये अपनी एक फ्रेंड को पकड़ती है तो अभी इस पर छिपकली गिर जाती है और इसको मतलब डर के मारे करंट निकलता है, इसकी फ्रेंड को भी झटका दे देती है। और फिर हम यहाँ से देखते हैं टीनेजर मे को जिसके पास बहुत सारे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, मतलब इसने हद से ज्यादा स्कूल चेंज कर दिए अब तक। जिस भी स्कूल में मतलब इसके सच्चाई पता चल जाती है ना कि करंट वाली है ये, तो वहां से ये छोड़ देती है स्कूल। अगले दिन स्कूल में मैं ट्रांसफर पेपर लेने जा रही होती क्योंकि इसको लगता है कि मेरे बारे में पोंग को पता चल गया तो अभी इसको भी छोड़ना ही पड़ेगा। पर जाने से पहले वो फेम को देखने लग जाती है, ये दुखी होती है, ये फेम को गुड बाय नहीं कहना चाहती है। पर वही देखती है कि पोंग इसकी ड्राइंग को जला रहा होता है। मे को ये अच्छा लगता है, समझ जाती है कि पोंग किसी को नहीं बताएगा, इसलिए स्कूल ट्रांसफर करने का आइडिया ड्रॉप कर देती है, पेपर को जला देती है और इस वजह से वहां पर आग लग जाती है और ये दोनों जल्दी से उसको बुझाने लग जाते हैं। और फिर ये अपना सीक्रेट पोंग को बता देती है। अगले दिन ये चुपके फेम को खेलते हुए देख रही होती है, बॉल इसके पास जाती है
तो फेम भी यहाँ पर आ जाता है जो ये डर के उससे भाग जाती है। फेम इसके पीछे पीछे भागता अपनी बॉल को लेने के लिए और कहता है कि तुम्हें रनिंग टीम ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि तुम बहुत तेज भाग लेती हो। इसके बाद मैगी की तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल में आ जाती है। पोंग उसके लिए खाना लेकर आता है। स्कूल बुलिस ये देखकर खूब मजाक बनाते हैं दोनों, कहते हैं कि देखो द लव बर्ड्स हैं दोनों, और मैं गुस्से में खाना फेंक देती है। पोंग को अच्छा नहीं लगता कि इसकी वजह से बुलिस ने मजाक बना दिया मे का, तो ये उसके घर पे जाता है शाम को और माफी मांगता है, कहता मुझे एक चाटा मारो करंट वाला और जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊं तब तक मुझे मारती रहना, और ये खींच के देती भी है एक। आगे खुलती है तो मे के घर में पड़ा होता है। इसकी फैमिली के साथ डिनर विनर करता है, हाँ, और बर्तन भी धुलवाते हैं। इससे भाई मैं इसे फेम के बारे में बताती है, ये कहती है कि उसने मुझे रनिंग टीम ज्वाइन करने के लिए बोला है, और ये नहाने जाती है तो नहाते हुए सोचने लगती है और फेम इसे हग कर रहा है, ये देख रही होती सपने में, और बस भाई हो गई शर्म से लाल ही है, और गरीब भूखे मच्छर जो होते हैं इसके ऊपर बैठ कर इसका खून पी रहे होते हैं ना, उनको लग जाता है करंट जिसकी वजह से मर जाते हैं। अगले दिन ही फेम से मिलती है और इसकी टीम में रनर बनने को तैयार हो जाती है, तो फेम इसे ट्रेनिंग करवाता है और ये काफ़ी अच्छी दौड़ लेती है और जीत भी जाती है, कॉम्पिटिशन के लिए भी सिलेक्ट हो जाती है। और कुछ दिन बाद फेम इसे मोटिवेट करता है और ये जीत जाती है रिले रेस, पर घायल हो जाती है इसी बीच। फेम इसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए भी आता है बट ये डर के भाग जाती है कि कहीं उसको करंट ना दे दूं मैं। और पोंग इसके पास आता है और इसका ब्लड साफ करता है और ये इतना कैरिंग फ्रेंड देखकर इसको हक कर लेती है। बाद में फेम इसे अपने साथ बुलाता है और ये खुशी से करंट छोड़ने लग जाती है, और ये सारी चीज़ें पोंग से देखी नहीं जा रही होती, इसलिए ये आइडिया लगाता है और करंट से बचने वाले सामान खरीद कर लाता है, जैसे ग्लव्स और प्लास्टिक की रोड रिले रेस में दौड़ने के लिए, ताकि आगे वाले प्लेयर को पकड़ा है तो उसको करंट न लग जाए, क्योंकि जो रोड होती है वो लोहे की होती है। और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। घर जाकर पोंग सोचता है यार मैं तो मे को पसंद करने लगा हूँ, और खुद को कहता है कि नहीं तुझे तो मिंक को ही पसंद करना है, मे को नहीं। और अगले दिन मे रेडी होकर फेम से मिलने जाती है, या फेम इसे स्ट्रेचिंग करवाता है। वाह क्या डेट है इन दोनों की। अब प्रैक्टिस करते हुए मे की वॉच टूट जाती है तो फेम कहता है कि मैं न्यू दिला दूंगा तुम्हें। दूसरी तरफ पोंग में अपनी ड्रॉइंग मिंक को दिखा दी होती है। मिंक बहुत खुश होती है क्योंकि पोंग ने सब इसके बारे में बनाया होता है उसके अंदर। और तभी बाहर बारिश होने लगती है, मे को यहीं पर रुकना पड़ता है आज। फेम भी यहीं पर आया होता है और कहता है कि हम रेस जीते तो तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। ये बहुत खुश होती है और करंट निकलने लग जाता है इसके में से, और इतने में भाग जाती है यहाँ से। फेम को समझ नहीं आता कि ये हमेशा खुश होती है जब तो भाग क्यों जाती है, पर पोंग इसकी काफी फिक्र करता है। उसके घर पर आ गया होता है और ये डोर नहीं खुलती, रोने लग जाती है। इसे अब ठीक करने के लिए पोंग रात भर वहीं पर बैठकर ड्राइंग बना रहा होता है और बताता है कि देखो अलग होने में कुछ अजीब नहीं है, सब अलग अलग ही होते हैं, तुम में से करंट निकलता है तो कोई बात नहीं, तुम अपने में बेस्ट हो। और इसे काफी अच्छी अच्छी फोटोज बनाकर दिखाता है जहां ये इसको बचा रहा होता है, और इसके बाद ये रूम से बाहर आती है। अगले दिन स्कूल में मिंक मे से हेल्प मांगती है इसको स्कूल के पीछे बुलाकर, और यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जिनको कि स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स में माना जाता है, और ये लोग मे को मारने के लिए आई हुई है। इतने पोंग अगर बचाता है इसे पर बेचारा खुद पकड़ा जाता है, पर सही टाइम पर फेम आकर लड़कियों को कहता है कि क्यों मार रही हो यार इन सबको, क्या हो गया। लड़कियाँ बताती कि मिंक ने बोला था मे को मारने के लिए। मिंक फेम को पसंद करती है इसलिए मे को सबक सिखा रही थी क्योंकि मैं फेम के पास जा रही थी, और रोते हुए मिंक यहाँ से भाग जाती है। पोंग उसके पीछे जाता है, उसे नॉर्मल करना चाहता है, और यहाँ पर मैं फेम को अपने बारे में सब बता देता है। फोन तक चार्ज करके दिखा रही होती अपने हाथों से भाई, और कहती है कि मेरे से दूर रहो अब अच्छा रहेगा। और ये सब देखकर फेम इसे प्रपोज कर देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी रेस के बाद। और फिर इसके बाद मैं जाकर पोंग से मिलती है, सब कुछ बता देती है जो भी आज हुआ इसके और फेम के बीच वाली बात, और कहती है कि तुमने मिंक को मना लिया क्या। ये कहता है कि वो मेरी ड्रॉइंग को खाली लाइक करती है, मुझे नहीं। भाई इसकी जो फेस पर दर्द दिख रहा है ना वो फील कर सकता हूँ मैं, रिजेक्शन का है भाई, बहुत दुखी होता है बेचारा। पर मे को मोटिवेट करता है कंपटीशन के लिए क्योंकि कल कंपटीशन होने वाला होता है, और डे आ भी जाता वाला, सभी स्टूडेंट यहाँ पर आए होते हैं, पर पोंग नहीं आया, वो घर पर होता है क्योंकि मे के लिए बनाई गई फोटोज को देख रहा होता है। और इसे फील होता है कि यार ये मे को पसंद करने लग गया, उसको पसंद करता है ये, और भागता हुआ स्कूल आता है, और यहाँ रेस हो रही होती है। पोंग चिल्ला रहा होता है कि रेस हार जाओ वरना तुम्हें फेम की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा, पर मे जीत जाती है। और रेस के बाद फेम के पास जाती है और ये कहता है कि नहीं तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हो, तुमने मुझे अभी अभी करंट दिया था। पोंग को देखो तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, तुम उसको पसंद करती हो वो तुम्हें करता है, और तुम किसी और के लिए फील करती हो मेरे लिए नहीं। और फिर यहाँ पर एक सेरेमनी की जाती है जहाँ पर सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और मैं पोंग का हाथ पकड़ लेती हूँ, और इसी तरह दोनों कपल बन जाते हैं, और खुशी खुशी मैं करंट दे देती है सबको। और एंड में हम देखते हैं कि पोंग कहता है कि मुझे
कुछ सोचना पड़ेगा कैसे रहना है मेरी इलेक्ट्रिक गर्लफ्रेंड के साथ। और वैसे गर्लफ्रेंड तो सबकी इलेक्ट्रिक होती है, बस करंट नहीं छोड़ती है वैसे सही बताऊं तो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो में बस इतना ही था, और भी अजीब अजीब सी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।